बहनात पीसी से ले एक दूसरे हाथ को पीसी से पकड़े, सामने वाले हाथ की कोहनी सिर से लगी हुई, घुटना घुटने के ऊपर, दृष्टि सामने, श्वास की गति सामान्य। जब शरीर स्थिर होता है, ना आगे झुकता है ना पीछे, तब श्वास की गति सामान्य। ये गो मुखासन। और अब करते हैं अर्धमत्स्येन्द्रासन। दोनों पैर सीधे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे सामने से और उसकी एड़ी पर बैठ जाएंगे। और नहीं बैठ सकते तो खाली मोड़ के रखिए बस ऐसे। दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा के बाहर क्यों रखिए, घुटना खड़ा हुआ, दाहिने पैर का घुटना खड़ा हुआ। अब बाएं हाथ बीच से डालें, दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से बाएं हाथ को डाला और उसके पंजे को पकड़ लेना। दाएं हाथ पीछे से घुमाएं और घुमा करके ले जाएं अधिकतम पीछे की ओर। दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखें, कोशिश कीजिए आपका हाथ जंघा को स्पर्श कर जाए, पीछे वाला हाथ। छोड़ दें ढीला, वापस अर्धमत्स्येन्द्रासन। इसी तरह से दूसरी तरफ से पहले दाहिने पैर को मोड़े, मोड़ के रख लीजिए नितंभ के पास एड़ी। बाएं पैर को उठाएं, दाहिने जंघा के बाहर की ओर जमीन पर यूं रखें, दाहिना हाथ बाएं पैर की जंघा और छाती के बीच यूं डालें और पकड़ लें बाएं पैर के पंजे को। दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ा, ये नीचे वाले पैर के पंजे को यूं नहीं पकड़ना, जो पैर खड़ा हुआ है उसी के पैर के पंजे को यूं पकड़ना। और बाएं हाथ पीछे से लेंगे, यूं घूम जाएं, बाएं ओर से देखेंगे कंधे के ऊपर से पीछे की ओर और पीछे वाला हाथ घुमा के लाएंगे अधिकतम जंघा के पास। अर्धमत्स्येन्द्रासन। एक एक आसन को तीन तीन बार किया जा सकता है, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। इससे पेनक्रियाज की बीटा सेल रिएक्टिवेट होते हैं, पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस है इंसुलिन उचित मात्रा में बाहर निकलता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और मधुमेह नियंत्रित हो जाता है। ये अर्धमत्स्येन्द्रासन थोड़ा सा कठिन। इसका विकल्प एक और, जो मोटे लोग हैं जो नहीं कर सकते इस अर्धमत्स्येन्द्रासन को, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो क्या करें, दाहिने पैर को मोड़े, बाएं पैर बिल्कुल सीधा, दंडासन में सीधे बैठे हुए दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के साथ में सटा करके रखें, दाहिने पैर को मोड़ करके उसके पंजे को। अब बाएं हाथ बीच से डालें, बाएं हाथ दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से डाला और बाएं पैर के पंजे के पास स्पर्श करके रखें और दाहिना हाथ पीछे से उसका भी पंजा जमीन पर, हथेली जमीन पर। दाहिनी ओर से पीछे घूम के देखिए, वक्रासन। इसी तरह ये दूसरी ओर से दोनों पैर सीधे दंडासन में, बाएं पैर को मोड़िए, अब दाहिना हाथ बीच से डालिए छाती के और जंघा के, उसको जमीन पर टिका दीजिए उसकी हथेली, और बाएं हाथ की हथेली पीछे जमीन पर। बाएं ओर से पीछे को घूम करके देखना है, कंधे के ऊपर से घूम के देखना, पेट पर एक पूरा बल पड़ेगा। ये पेन के आज के लिए, पेन के आज को स्वस्थ बनाने के जरूरी अभ्यास। दोनों पैर सीधे, ये दो अभ्यास पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, लीवर स्प्लीन को स्वस्थ बनाने के लिए, आंतों के आरोग्य के लिए भी उपयोगी। डायबिटीज के लिए खास अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन। अब करते हैं पश्चिमतानासन। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, ये दंडासन की स्थिति। बैठ करके करने वाले सभी अभ्यास दंडासन में ही बैठ करके प्रारंभ किए जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पश्चिमतानासन। कमर में दर्द है तो न करना, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, पहले उंगली से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। घुटनों से सिर को लगाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे नीचे,
फिर हाथों को ऊपर ले आए, श्वास अंदर भरते और हाथ साइड से नीचे, श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाते हैं, श्वास बाहर छोड़ते आगे झुकते हैं, कौन है जमीन पर, श्वास बाहर और घुटने एकदम सीधे, घुटने ना उठाएं और सिर लगाएं घुटनों से, हाथ ऊपर उठाते हुए साइड से हाथ नीचे ले आए, पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन नहीं होता है तो क्या करें। अगला अभ्यास जानु शिरासन, दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए और उसकी एड़ी को, पंजे को, पूरे पंजे को दाहिने जंघा से स्पर्श करके रखें, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, जानो शिरासन, आगे झुके और हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे को पकड़ लें और कोहनियां जमीन पर टिका दें, झुके और कोशिश करें आपका घुटना सीधा हो और सिर घुटनों से लग जाए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से, बाएं पैर सीधा, दाहिने पैर के पंजे को बाएं जंघा से लगा दे अंदर की ओर से, दोनों हाथ साइड में, श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाएंगे, आगे झुक जाएंगे, पंजे को पकड़ेंगे, पैर के पंजे को तलवे की तरफ से पूरा ही पकड़ लिया, कोहनियां जमीन पर और सिर लगाएं घुटनों से, दोनों पैर सीधे, विशेष उपयोगी आसन भुजाओं को सबल बनाने के लिए, पूरे शरीर का भार आपकी भुजाओं पर संतुलित होगा, आसन का नाम है तुलासन। दोनों पैर मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए पैर भी उठेंगे पूरे नितंभ तक एक साथ और हाथ दोनों जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए श्वास अंदर भरते हुए पैरों को उठाएंगे, पूरे पैर उठेंगे, नितंभ भी उठेंगे, प्रारंभ में आप करेंगे तो या तो नितंभ उठेंगे या पैर उठेंगे, अभ्यास के बाद दोनों तरफ से आप उठा सकेंगे, और धीरे धीरे नीचे तुलासन। अब एक विशेष उपयोगी अभ्यास पार्श्व भागों की चर्बी को कम करने के लिए, कमर को और पेट को स्वस्थ बनाने के लिए, आसन का नाम है पशु विश्राम आसन। पशु विश्राम आसन करने के लिए दाहिना पैर सीधा ही, बाएं पैर को बाहर की ओर से मोड़ देंगे, बाएं पैर बाहर की ओर से मुड़े और इस तरह से मुड़े कि उसका पंजा बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, बाएं पैर को बाहर की ओर से मोड़ा, पंजा बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, दाहिने पैर को सामने से ले और बाएं जंघा से उसको स्पर्श करके रखें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और अब श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे, दाहिनी ओर आगे झुके और दाहिने घुटने के सामने जमीन पर सिर टिका दे, हथेली हथेली भी जमीन पर, सिर भी जमीन पर और फिर एक साथ उठाएं, अब बाईं ओर से इसी अभ्यास को जिस तरह से आप दाहिनी ओर झुके थे इसे ऐसे बाईं ओर भी घुटने के बराबर सामने सिर टिकाएंगे, आगे झुकेंगे, पीछे से नितंब नहीं उठेंगे, और हाथ साइड से नीचे, पशु विश्राम आसन। इसको करने से पेट स्वस्थ होगा, पार्श्व भागों में बढ़ी हुई चर्बी भी कम होगी, आपकी स्पाइन इससे लचीली, स्वस्थ, सुंदर, सुडोल होगी। दूसरी तरफ से इसी पशु विश्राम आसन को दाहिने पैर को बाहर की ओर से मोड़ेंगे, एड़ी अंदर की ओर, पंजा बाहर की ओर, दाहिने
पैर को बाहर की ओर से मोड़ा, बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा से स्पर्श करके रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और अब श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए अब बाएं ओर झुक जाइए, घुटने के सामने सिर जमीन पर पूरे झुक जाएं, हथेलियां कोहनियां माथा जमीन पर टिका दे, एक साथ ऊपर उठें, सिर भी हाथ भी एक साथ ऊपर उठें, और अब दोबारा से श्वास बाहर छोड़ते हुए दूसरी ओर झुकें, दाहिनी ओर, फिर ऊपर उठें, श्वास अंदर भरते ऊपर उठना, श्वास बाहर छोड़ते हुए साइड में झुक जाना, फिर श्वास अंदर भरते ऊपर उठना और श्वास बाहर छोड़ते हुए पार्श्व भाग में, और एक साथ ऊपर उठना और हाथ साइड से नीचे, ये पशु विश्रामासन एक विशेष उपयोगी अभ्यास हाथों के स्नायुओं को सबल बनाने के लिए और पैरों को भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, दोनों पैर सीधे, आकर्ण धनुष टंकारासन, अब बाएं पैर को मोड़े, दाहिने बाएं पैर को मोड़े, दाहिने पैर के ऊपर रख दे और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ ले, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को यूं पकड़ ले, श्वास अंदर भरते हुए सामने देखें और इस बाएं पैर को उठाएं दाहिने हाथ से और कान के पास ले जाएं, देखें सामने, धीरे धीरे नीचे ले आए, आकर्ण धनुष टंकारासन, बाएं पैर से करने के बाद दाहिने पैर को मोड़े, बाएं जंघा पर रख दे, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ ले, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ ले, श्वास अंदर भरें, पैर को उठाएं, उठा करके कान के पास ले जाएं, देखें सामने, आकर्ण धनुष टंकारासन, पैर सीधे, विशेष उपयोगी आसन ब्रह्मचर्य के लिए पादांगुष्ठासन, बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं आप, बाएं पैर को मोड़े और उसकी एड़ी को नितंब के साथ लगा लें, अब दाहिने पैर को उठाएं, बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे और फिर दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में पूर्ण एकाग्रता होगी इसमें, और ब्रह्मचर्य के लिए विशेष उपयोगी आसन कुंडलिनी जागरण के लिए भी, अभ्यास को दूसरे पैर से करें, दाहिने पैर के ऊपर बैठ जाएंगे, दाहिने पैर को मोड़ें, उसकी एड़ी को नितंब के पास रखें, एनस से लगा करके, बाएं पैर दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दोनों हाथ अभी साइड में पार्श्व भागों में, उनसे थोड़ा सहारा लें और धीरे धीरे हाथों को उठाएं, नमस्कार की मुद्रा में सामने लेकर के आए, अब करते हैं मयूरासन, पहले बैठे उत्कटासन में, यह उत्कटासन है, दोनों पैर की एड़ियों पर यूं बैठना और हाथों को या तो यूं रखना या यूं रखना, यह उत्कटासन, गर्दन सीधी मेरुदंड सीधा, उत्कटासन में बैठ करके अब करते हैं मयूरासन, मयूरासन के लिए मोर जैसी स्थिति बनेगी शरीर की, आपने सुना होगा मोर कंकर भी खा लेते